दोस्तों कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक काला बिच्छू ढूंढ ले तो आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या वाकई काला बिच्छू इतना कीमती है, क्या वाकई काले बिच्छू की कीमत करोड़ों में होता है और क्या वाकई काला बिच्छू सेल होता है। अगर सच है तो ये कहाँ सेल होता है और इसकी खरीदो फरोख्त कहाँ पर होगी और आसानी के साथ इसे सेल कैसे करना है और इसके बहुत सारे हकायक और इंशाल्लाह इसकी हकीकत हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राघिब और आप देख रहे हैं चिराग टीवी। दोस्तों बिच्छू के दुम में एक खतरनाक किस्म के जहर पाया जाता है जिसे साइंटिस्ट मुख्तलिफ मकासिद के लिए इस्तेमाल करते हैं और हशरात में से रेंगने वाला और सबसे ज्यादा खतरनाक बिच्छू ही है। कहा जाता है कि अगर बिच्छू किसी इंसान को डस ले तो उस जगह निहायत खतरनाक किस्म का दर्द होता है। और ये भी सुनने में आया है कि अगर बिच्छू किसी को डंग मार दे और बिच्छू भाग जाए तो दर्द और ज्यादा बढ़ता जाता है और अगर बिच्छू को मार दिया जाए तो दर्द बकदर कम होता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि जब सांप के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो फौरन अपनी माँ से भागते हैं, क्योंकि अगर वो न भागे तो उनकी माँ उन्हें खा जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल उलट है। हैरत की बात है कि जब बिच्छू के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी जो माँ है बच्चे उसी अपनी माँ को ही खाना चाहते हैं। इस दुनिया में बिच्छू के 2000 से ज्यादा अकसाम मौजूद है, लेकिन इनमें से अक्सर खतरनाक नहीं होते। अलबत्त सब्ज और काले रंग के बिच्छू ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिच्छू शुरू से ही इंसान का दुश्मन रहा और इनके बारे में एक कहावत है कि सांप सुलाए तो बिच्छू रुलाए, यानी सांप के डसने वाले पर अनूद की तारी होती है और बिच्छू के डसने वाले दर्द की वजह से रोता है और चिल्लाता है। कहा जाता है कि बिच्छू बिला जरूरत भी डस लेता है। एक रिवायत के मुताबिक एक दफा हजरत जुनेद बगदादी रहिमुल्लाह दरिया के किनारे जा रहे थे। आपने एक बिच्छू को दरिया में डूबते हुआ देखा। आपने इसकी जान बचाने के लिए पानी में हाथ डालकर इसको निकालने की कोशिश की, लेकिन इसने अपने आदत के मुताबिक आपको डस लिया। आपने दूसरी दफा फिर कोशिश की, लेकिन दोबारा भी वही वाकया पेश आया। और जब आपने तीसरी दफा इसको बचाने के लिए अपना हाथ पानी में डाला तो करीब खड़े एक शख्स ने कहा कि मरने दो, क्यों इस दुश्मन के लिए हमदर्दी करते हो। जिस पर आपने फरमाया कि वो अगर अपनी आदत ही बद से बाज नहीं आता तो क्या मैं अपनी अच्छी आदत को तर्क कर दूं? दोस्तों बिच्छू तकरीबन दुनिया के हर इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन बरसगीर और एशिया के दीगर ममालिक में इनकी तादाद ज्यादा मिलती है। बिच्छू अपनी दुम के जरिए डंग मारता है और इसके जहर भी इसके दुम में ही होते हैं। बिच्छू 25 साल तक जिंदगी गुजार सकता है। बिच्छू 1 साल तक बगैर कुचकाए जिंदा रह सकता है और 48 घंटे तक बगैर सांस लिए पानी के अंदर रह सकता है। ये ज्यादातर खुश्क इलाकों में रहते हैं और अक्सर पानी अपनी खुराक से ही हासिल करते हैं। बिच्छू दूसरे इंसेक्ट्स के मुकाबले में 10 गुना कम ऑक्सीजन पर सरवाइव कर सकते हैं। अक्सर सहराओं में पानी और खुराक की शदीद किल्लत रहती है, लेकिन बिच्छू सहरा में आसानी रह सकता है। अगर बिच्छू अल्ट्रावायलेट रेस को एक्सपोज किया जाए तो चमकने लगता है। बिच्छू की जिस्म में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती और यकीनन अल्लाह ताला ने कोई भी शे बगैर कमाल के नहीं बनाया है। अगर बिच्छू के जहर एक तरफ जान लेवा साबित हुआ है तो दूसरी तरफ इनकी फवायद से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि पहले बिच्छू को देखकर लोग मार दिया करते थे, लेकिन अब इसे पकड़कर जान से ज्यादा अजीज रखा जाता है। चूँकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो रातों रात अमीर हो जाए, इसलिए कुछ लोग बिच्छू के पीछे पड़े हैं और उन्होंने काले बिच्छू को काले सोने का नाम दिया हुआ है। कराची से एक भाई जुनेद ने बताया कि यहाँ पर बाकायदा काले बिच्छू के दफातर खुले गए और लोग मुख्तलिफ इलाकों से बिच्छू लाकर यहाँ सेल करने लगे हैं। उनका कहना है कि इन चीजों की खरीद फरोख्त क्लासिफाइड वेबसाइट के जरिए किया जा रहा है। मुफ्त में इश्तिहार पोस्ट होने पर खरीदार और फरोख्त कुनिंदा एक दूसरे से राबते करते हैं।
جنید کا کہنا ہے کہ کچھ ماہ قبل ان کے سارے لائسنس منسوخ کیے گئے، جس کے بعد یہ کام بلیک مارکیٹ میں کیا جاتا ہے۔ کراچی سے ایک ٹیلر سے جب ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم انٹرنیشنل مختلف کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو طریقہ کار سمجھا دیتے ہیں۔ مزید کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو ایک خاص کوڈ دیتے ہیں، جسے وہ بچوں کے ساتھ رکھ کر ویڈیو بنائے، اور ویڈیو بناتے وقت بچوں کو ڈیجیٹل سکیل پر رکھ کر دیا جاتا ہے، جس سے کمپنی کو بچوں کے وزن کی تصدیق ہوتی ہے۔ ڈیلر نے بتایا کہ جب بچوں کا وزن 50 گرام سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور بروکر کے ذریعے انہیں یہاں بلا لیتے ہیں۔ ڈیلر کا کہنا تھا کہ ہم صرف 50 گرام سے زیادہ بچو لیتے ہیں، اور قیمت 1 کروڑ سے لے کر 15 کروڑ تک دیتے ہیں، اور پھر ہم اسے کمپنی کو دیتے ہیں۔ کمپنی اس کا وینم یعنی زہر نکال کر اسے کینسر کی ادویات میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، آتے ہیں اب بچوں کی حقیقت پر، جو محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات سندھ کے سربراہ جاوید احمد مہر نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کالے بچوں کے خرید و فروخت کے بارے میں تمام باتیں محض افواہ ہے، جس کے سراسر نقصان چھوٹے سرمایہ کاروں کو ہے، جو رات و رات امیر ہونے کی کوشش میں کچھ جال سازوں کی ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند سو روپے کی مصنوعی تیلا بڑھا کر اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں پہنچا دیا گیا ہے، جس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ خریدنے والا آپ سے اس وزن کی بات کریں گے جو تقریباً ناپید ہے۔ جاوید مہر نے بتایا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے افواہیں اڑائی گئی ہے کہ بچوں سے کینسر، ایڈز اور دیگر لاعلاج بیماریوں کی ادویات بن رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کالے بچوں کا استعمال صرف ایک ہی ہے، جو چین میں بڑی شوق سے کھایا جاتے ہیں۔ چین میں اس لیے انہوں نے فارم ہاؤس بھی بنایا ہے، اور اس لیے اسے پالتے ہیں۔ دوستو، جاوید صاحب نے مزید بتایا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ چند سال قبل چینی انجینئرز نے اندرونی سندھ کا دورہ کیا اور کھانے کے لیے مقامی لوگوں سے بچھو خرید رہے تھے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں نے بچھوں کو اتنی مہنگی شے سمجھا۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی کسی قسم کی فراڈ اور دھوکے سے بچ جائے اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو امید ہے آپ نے ویڈیو کو نہ صرف انجوائے کیا ہوگا بلکہ آپ نے اسے لائک بھی ضرور کیا ہوگا۔ دوستو، اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔